हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं नासिक, त्रिंबकेश्वर महादेव मंदिर जा रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर देखें। तो चलो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। मेरे साथ है कुणाल है, तेजस भाई है और विजय भाई है। तो चलिए हम आपको आगे का ब्लॉग दिखाते हैं। कुणाल बहुत अच्छा है, इसने सब देखा है। तो अभी चलिए आपको दिखाते हैं त्रिंबकेश्वर महादेव जो नासिक में है, 12 ज्योतिर्लिंग में से जो एक बड़ा आता है वो आपको दिखाएंगे। चलो बैठ जाओ, अभी निकलते हैं धीरे धीरे। तेजस भाई, हाँ ये है, ये खाने वाले है क्या? अच्छा तो तेजस भाई ले रहे हैं अभी सफरजंग सेब। रास्ते में हमको ये दिखा दिया मक्का ही का है, तो अभी इधर रुक गए हम लोग। अभी थोड़ा रुके हुए हैं, थोड़ी देर में अभी जाएंगे। अभी इधर से 20 किलोमीटर है। बहुत ही डेंजरस जंगल है इधर, आप देख सकते हो। देख, जंगल है इधर, इधर शेर वेर सब मिल जाता है। घना जंगल है। त्रिंबकेश्वर पहुंचने का भी 10-15 किलोमीटर बाकी है, तब तक आप बने रहे वीडियो में। बारिश भी हो रहा है अभी, 20 किलोमीटर बाकी है अभी। ऐसा घाट वाला रास्ता है। किलोमीटर बाकी, इधर ही हमको पार्किंग करवा दिया, आगे गाड़ी लेके नहीं जाने बोला, इधर ही हमने गाड़ी पार्क कर दिया है। तो गाड़ी ले लो, बस में जाना पड़ेगा ऐसा बोल रहे हैं। तो चलो अभी बस का सफ़र करते हैं, इधर से 5 या 6 किलोमीटर ऐसा है, तो वहाँ तक गाड़ी नहीं लेके जाने दे रहे हैं। इधर ही पार्किंग कर दिया है, आप देख सकते सब गाड़ी इधर ही रुक के पार्किंग कराते हैं। तो चलो अभी चलते हैं बस का सफर। हमको बस में जाना पड़ेगा इधर तक, कि गाड़ी नहीं लेके जाने दे रहे। तो अभी ये बस में जाने वाला है, ये बस में जा रहे हैं, हमको बस में बैठना पड़ेगा ऐसा बोल रहे हैं। बस भी फंस गया है, पूरा फंस गया है। देखो स्लिप मार रहा है बस। मेरे को बस में बैठने वाले हैं,
दर्शन देखेंगे और वहाँ तक जाएंगे। चलो भेज जाओ। बैठ गया थे, चलो हम भी इधर बैठ जाते हैं और अभी कैसा रहता है बस का सफर वो देखते हैं। स्टेशन में त्र्यंबक घूम रहे हैं, बारिश हो रहा है। विमल भाई भी आ गए इधर, देख सकते हैं आप त्र्यंबक। फाइनली गाइस त्र्यंबक का गेट के तक पहुंच चुके हैं। अब देख सकते हैं त्र्यंबक जाने का एक गेट है मंदिर का। अभी चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा मंदिर त्र्यंबक का। हमारे साथ है आप, हम लोग चलते हैं सब। अभी चलो चलो मंदिर की ओर जाते हैं, अभी आपको दिखाते हैं पूरा ब्लॉग। तो बने रहे और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलते हैं आपको त्र्यंबक का मंदिर का दर्शन करवाते हैं। तेजस भाई बहुत फास्ट जा रहा है दर्शन के लिए, जा रहे हैं। बारिश हो रहा है तो देखो ये क्या करना पड़ता है, हमको प्लास्टिक में छुप के जाना पड़ता है भाई। देखो तेजस ये देखो देखो बारिश में छुप के जाना पड़ता है। इधर रूम रहा थोड़ा, एक किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है। हालांकि भीगी जाए ना, और हम लोग रिक्शा वाला मिला था लेकिन हम नहीं बैठे, एक किलोमीटर से पैदल चल के जाएंगे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। चलो अभी आपको दिखाते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। लेना पड़ेगा ये इतना लाइन है इधर, देखो लाइन बहुत है लाइन। ये देखो फ्रेंड्स लाइन में अभी रहना पड़ेगा, अब फिर दर्शन करेंगे। तो ये लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा अभी, लाइन बहुत लंबा है। आप देख सकते हो लाइन है इतना लंबा, कम से कम एक किलोमीटर का लाइन ही है। एक बजे क्यों तो मिल आप लाइव।
आए हुए हैं नायक दर्शन। क्या है ये? रामकंद खाने का मीठा होता है। हाँ? रामकंद। रामकंद। रामकंद क्या? रामकंद क्या? आपके इधर क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताना। रामकंद है। रामकंद। ये कहाँ से? कहाँ लगता है? कर्नाटक साइड। कर्नाटक साइड। रामकंद खाते हैं हम लोग। रामकंद बोलते हैं इसको। रामकंद आपके इधर क्या बोलते हैं जरूर बताना। भैया रामकंद ऐसा बोलते हैं। रामकंद खा के देखते हैं ये रामकंद बहुत अच्छा है। रामकंद। तो फ्रेंड्स दर्शन कंप्लीट हो गया है। अंदर दर्शन कर लिया पूरा। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है इसके लिए आपको दिखा नहीं पाए। तो ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फ्रेंड्स ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वंदे मातरम।